पहलू खान पर सियासत तेज, सहयोगी बीएसपी ने उठाए सवाल, प्रियंका गांधी के ट्वीट पर तकरार, बीजेपी ने लगाया तुष्टीकरण का आरोप। राजस्थान के बहुचर्चित पहलू खां मामले को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। अलवर कोर्ट से मामले में 6 आरोपियों को बरी करने के बाद सहयोगी दल बीएसपी ने भी राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर राजस्थान सरकार की जांच पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीएसपी का आरोप है कि सरकार ने अगर मजबूती से मामले की पैरवी की होती तो पीड़ित को इंसाफ मिल गया होता। बीएसपी ने सरकार से ऊपरी अदालत में अपील और पुलिसिया लापरवाही की जांच करने की मांग की है। पूर्व सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय का ये 1 अप्रैल 2017 का मामला है और कोर्ट में मेरी ये मांग है कि कोर्ट में यदि पुलिस द्वारा मजबूती के साथ में पैरवी नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई, और अगर नहीं की और जो लोग दोषी हैं तो वो भी एक जांच का विषय है, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। निचली अदालत ने जो फैसला दिया है सबको बरी किया है, ये कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ है और इसको सरकार से भी हम मांग करेंगे कि दोबारा जो ऊपर की जो अदालत है उसमें ये पैरवी करें और जो इससे पीड़ित है उसको न्याय मिले। वैसे मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए कहा है कि हम आगे की अदालत है उसमें हम अच्छी तरह से पैरवी करेंगे। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पहलू खान के परिवार को इंसाफ की उम्मीद जताई है, साथ ही राजस्थान सरकार के मॉब लिंचिंग कानून की सराहना की है। वहीं प्रियंका के ट्वीट को बीजेपी ने तुष्टीकरण वाला बताया है। तो सरकार ने कहा कि हम अपील करेंगे तो बेशक अपील करें, लेकिन प्रियंका गांधी का ट्वीट और अशोक गहलोत जी का कर्म, ये दोनों केवल एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण का प्रतीक है और वो करते रहे बेशक, लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है इस देश में, वो छुपेगी नहीं किसी से। फिलहाल पहलू खां मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से जांच के आदेश दिए हैं। गृह विभाग भी पूरे मामले की फिर से इन्वेस्टिगेशन करेगा। जांच में इस बात का पता लगाया जाएगा कि आखिरकार मामले में पुलिस की ओर से चूक कहां हुई है। सुशांत पारिक के साथ शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।